अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइसेस एंड स्लाइसेस। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ क्विक एंड इजी आलू के दो यमी रेसिपीज़। जी हाँ, एक रेसिपी फॉर आलू पराठा एंड दूसरा फॉर आलू बोंडा। पहले हम आलू पराठा के लिए मसाला बनाते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज्ड बॉइल्ड पोटैटोस। उस पर मैंने ऐड किया है नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा चाट मसाला एंड थोड़ा सा आमचूर पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके मेजरमेंट्स मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं आपके। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी चॉप्ड ऑनियन भी मिला सकते हैं, बट ऑनियन डालने से ये मसाला ज़्यादा दिन रह नहीं सकता, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चॉप्ड करा हुआ पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सारे इंग्रेडिएंट्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ, कि मसाला फॉर आलू बोंडा। सबसे पहले हम इसके लिए तड़का प्रिपेयर कर लेंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 1-2 टीस्पून तेल गरम कर लिया है छोटे से पैन में। उसमें थोड़े से राई के दाने, थोड़े से कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हल्दी को अच्छे से गरम कर लिया है, और हम इसे हल्के फ्लेम पर पकाएंगे 1-2 सेकंड के लिए और फिर फ्लेम स्विच ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इसको अच्छे से मैश कर लिया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, एंड इसमें हम अपना तड़का ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा चॉप करा हुआ हरा धनिया। लीजिए, हमारे आलू बोंडे का मसाला तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जिस भी साइज़ के आप खाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर मैंने बेसन का बैटर भी रेडी कर लिया था, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है फ्राई करने के लिए। अब हम आ रहे बॉल्स को बेसन के बैटर में अच्छे से कोट करके इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हम इसे गोल्डन और अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, अब हमारे ये आलू बोंडे ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। लीजिए, तैयार है हमारे क्रिस्प एंड गोल्डन ब्राउन और मसालेदार आलू बोंडे। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।